हेलो एवरीवन, जैसे कि लास्ट सेशन में बताया था कि एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग किस टाइप में होती है और कैसे होती है, जैसे स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनामिक एनालिसिस। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है स्टैटिक एनालिसिस के अंदर वो बताने वाला हूँ, मोबेसेप। तो मोबेसेप ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू कोई भी यूजर एपीके फाइल का सोर्स कोड रिव्यू कर सकता है, क्योंकि मोबेसेप स्टैटिक एनालिसिस करके उसका सोर्स कोड रिव्यू करके सारी वल्नरेबिलिटीज जो इसके अंदर सोर्स कोड है या आपकी वो क्या परमिशन ले रहा है, कौन से क्रेडेंशियल्स यूज कर रहा है, कहाँ पे आपके क्रेडेंशियल्स स्टोर हो रहे हैं। अगर क्लियर टेक्स्ट में स्टोर हो रहा है तो वो आपको नोटिफिकेशन दे देगा हाई, मीडियम और लो के अकॉर्डिंग सेवर्टी इशू कर देगा वहाँ पे। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आप जो एप्लीकेशन है जो आप रन कर रहे हो, समटाइम्स क्या होता है कि अटैकर उसके अंदर पेलोड इंसर्ट कर देता है या मालवेयर इंसर्ट कर देता है, तो मोबेसेप से जब आप एनालाइज करते हो तो वहाँ पे वो अलर्ट मैसेज दे देता है कि ऐसा पेलोड है या ऐसी सिक्योरिटी इशू यहाँ पे इशू है। तो सबसे पहले इसको दिखा देता है कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले गिटअप से इसका क्लोन करना पड़ेगा इसको। तो ये बड़ी फाइल है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले गिटअप पे जाना है, तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से कॉपी करना है एंड तो ये बड़ी फाइल है तो इसको डाउनलोड होने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक इसका वेट करते हैं। तो यहाँ पे अपना मोबेसेप जो मोबाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है वो इंस्टॉल हो जाता है अपने सिस्टम में। तो इसके बाद सबसे पहले इसके डायरेक्टरी में जाते हैं, एक कमांड होती है जिसके थ्रू अपन पिप इंस्टॉल करते हैं एंड जो एनवायरमेंट है वर्चुअल एनवायरमेंट है वो क्रिएट हो जाता है। तो इसकी कमांड है sudo apt install python python 3 pip python 3 -new -by। इसके थ्रू ये तीन टूल इंस्टॉल हो जाएंगे एक साथ। तो मेरे सिस्टम में पहले ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसके बाद में सबसे पहले इसमें, क्योंकि ये सेटअप sh फाइल एंड bat फाइल दोनों फाइल है, क्योंकि ये विंडोज में और लिनक्स दोनों में वर्क कर जाएगा। जिसको विंडोज में चलाना है वो बैट फाइल किससे यूज करेगा और सेटअप फाइल जो लिनक्स में यूज करता है। तो अपन कमांड टाइप करते हैं sudo डॉट सेटअप डॉट sh। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो अपने सिस्टम में जो प्रेजेंट है सो फाउंड करेगा, जो नहीं है उसमें इंस्टॉल करेगा ऑटोमेटिक। तो ये चेक कर रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है फाउंड python 3, और जो सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है वो इसे इंस्टॉल करेगा। तो इसका वेट करते हैं। जैसे इसकी डाउनलोड पूरी हो जाएगी उसके बाद में अपन इसको रन कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं फरीडा भी है जो कि आगे अपने काम आएगा रूट डिटेक्शन बाईपास करने के लिए। फरीडा कैसे यूज होता है वो भी बताऊंगा मैं। कुछ फाइल्स है जो स्क्रीन कर रहा है क्लीन स्क्रिप्ट के थ्रू। जैसे इंस्टॉल हो जाता है अपन मोबाइल से रन कर सकते हैं, तो ऐसा इंटरफेस आने लग जाएगा। जिसके भी कोई इश्यू आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है या मेरे इंस्टाग्राम चैनल बोटो रूट पे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। तो ऐसा क्लियर करते हैं एलएस। तो अपने पास अपन ने सेटअप डॉट एस एस एच से अपने सिस्टम में रन इंस्टॉल कर लिया है, अब रन डॉट एस एच से इसमें रन करेंगे डॉट रन डॉट एस एच। तो यहाँ पे ये मोबाइल से रन होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो दिख रहा है आईपी वो अपनी आईपी इससे कॉपी कर लेते हैं फायरफॉक्स। कंट्रोल वी एंड एंटर, तो अपना लोकल सिस्टम में स्टार्ट हो जाएगा। तो मोबेसेप का इंटरफेस ऐसा है। अब जिस यूजर को अपने चेक करनी फाइल एपीके फाइल है उसको स्टार्टिंग एनालाइज कराना है, तो यहाँ से लोड कर सकता है वो। जैसे लोड पे क्लिक करेगा वो यहाँ से फाइल ओपन कर लेगा। तो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा क्योंकि अभी तक जितने भी ये सारे लाइव पार्ट आए थे सब में इंस्टॉलेशन बताया था, क्योंकि जो वर्कशॉप हुई थी तो सबने बताया था कि सर जेनिमोशन में इशू आ रहा है, मोबेसेप में इशू आ रहा है। तो मैंने बस इसलिए ये बताया कि इंस्टॉल कैसे करना है। जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सब ये बताएंगे कि मोबेसेप वर्क कैसे करता है और कैसे वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके रिपोर्ट कर सकते हो किसी को भी। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।
और गिटहब की लिंक मैं जिस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।